आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सेकंड। अब इसमें तीन चीजें हैं जो हम लेंगे, हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, इनमें ये पी वेरिएबल है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें यूनिक सोल्यूशन हो। ओके, तो अब इसमें हम ये कैसे करेंगे? अब देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों के पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 4, a2 2, आप ऐसे ही नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, b1 p, b2 2, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नॉट इक्वल टू का साइन, ये आ गया आपका 4। अब आप इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखें? देखिए, लिखा है पी शुड नॉट बी इक्वल टू 4, तो यहाँ आप p की जगह फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, बस वो 4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो 4 नहीं होगी, कोई और होगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आप p 4 लेंगे तो देखिए वो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो फिर वो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हम इसको स्टेटमेंट में, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पी शुड नॉट बी इक्वल टू 4, या All for all values of 4, for all values of p except 4. Okay, the given pair of equations will have a unique solution. The given pair of equation will have unique solution. तो unique solution का तो हम ऐसे करेंगे। अच्छा, अब इसमें हमें k की value निकालनी है, infinitely many solution के लिए। ओके, तो उसमें हमें कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये हमारी कंडीशन आ गई। अब देखिए, जो x है ना, x के जो कोफिशियंट है, x छोड़ के बाकी जो कुछ भी लिखा है वो हमारा a1 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में वो a2 है। अब y को छोड़ के जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है वो b1 है, दूसरा वाला b2 है, और बाकी जो भी है आपका वो C1 और C2 विद साइन आपने लेना है। अब देखिए, आपके पास है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी को भी कर लो। मैं फर्स्ट 2 को ले रही हूँ, यहाँ के स्क्वायर आ गया 36, तो k आ गया प्लस माइनस 6। देखिए, k की दो वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे k की वैल्यू, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x 6 पुट किया, तो 6 माइनस 3 3, और फिर 6 पुट किया। अब यहाँ चेक कीजिए, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, माइनस 3 बाय माइनस 6, दिस इज 1/2, ये पूरा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो k 6 के लिए तो आपका आंसर आ रहा है। अब ऐसे ही आप पुट कीजिए k माइनस 6, यहाँ माइनस 6x 3y माइनस, ये आ जाएगा आपका प्लस 9, और यहाँ पे ऐसे पुट करके फिर ये कंडीशन चेक करना, अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं होगा, नहीं कंडीशन माइनस 6 पे आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लेकिन ये आपको करके दिखानी है। इसमें ये वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ 6 पुट किया, ऐसे ही आपको माइनस 6 पुट करके ये वाली कंडीशन दिखानी है कि ये ट्रू नहीं है, तो इसलिए k इज इक्वल टू 6 पे इसका आंसर होगा। अब फिर से हमारा सेम क्वेश्चन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब मैं वो कंडीशन ही लिखूंगी, a1 अपॉन a2, मैं सीधा ये लिख रही हूँ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मैंने आपको बता ही दिया था, x और y हटा दो, बाकी जो भी लिखा है वो a1 a2 b1 b2 है आपका। अब फिर से हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a प्लस b है, गलती से मैंने y लिख दिया। देखिए, 2a plus b is equal to 3a minus b. तो 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. अब जब इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा a, क्योंकि ये माइनस साइन होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। एक्चुअली इसमें क्या है, हमारे पास ये दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टू इक्वेशंस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, चाहे इन दोनों पे बना लो या इन दोनों पे बना लो, मैं बना रही हूँ इस पे,
ओके अब ये 2 थ्री ए प्लस बी माइनस 2 सेवन ए माइनस बी, तो ये आ गया 6 ए प्लस 2 बी माइनस 4 सेवन ए माइनस 7 बी। अब जब इसको करोगे इधर लेके जाओगे तो ये 6 माइनस 7 ए आ गया, माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 बी, और ये उधर जाके हो गया प्लस। आप इसको ऐसे लिखो इक्वल टू माइनस 4, ओके ए माइनस 9 बी इज इक्वल टू माइनस 4। हम ए और बी को ही उधर लेके गए हैं, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करना आपको आता है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये सेम है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। मेथड यही है, एक बार ये कैलकुलेशंस आप चेक कर लेना बस। अब आपको इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, चाहे एलिमिनेशन मेथड लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लो, जिस भी मेथड से करो। अब हमने यूनिक सॉल्यूशन के लिए कर लिया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कर लिया, अब ये क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है, तो 3 के साथ एक्स के एक्स हटा दो, वाई हटा दीजिए, ओके। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया k इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस ही रहा, k2 के लिए नो सॉल्यूशन है, यानी अब आप 2 की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर, ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर नो सॉल्यूशन आपका आएगा।